आप लोग देख रहे हो बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। जिस तरीके से आपने कैप्शन में पढ़ा 5 अगस्त और 15 अगस्त को देखते हुए जम्मू हाई अलर्ट पर है। जी मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है ड्रोन अलग अलग जगहों पर नजर आ रहे हैं, और आपको याद होगा आल पार्टी मीटिंग जो कि 24 तारीख को हुई थी सर्वदलीय बैठक के बाद, लगातार जो है ड्रोन जम्मू के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहे हैं, और वहीं पर कल 3 ड्रोन जो है वो सांबा की बात करें वहां पर भी नजर आए। जम्मू फिलहाल हाई अलर्ट पर है, और आपको बता दूं कि 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और 35 ए के खात्मे के बाद जो है अब कुछ ही दिनों बाद दोबारा से 5 अगस्त आने वाली है, यानी 2 साल पूरे हो जाएंगे 35 ए और धारा 370 को ख़त्म हुए। और जिस तरीके से पिछली बार की बात करें, पिछले साल की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हर जगह तिरंगा रैलियां निकाली गई, हर घर के ऊपर तिरंगा था, जश्न के साथ जो है पिछले साल 5 अगस्त 2020 की अगर बात करें तो हर जगह पर तिरंगे फहराए गए, तिरंगे लहराए गए। भाजपा ऑफिस की बात करें वहां पर भी जोर शोर से 5 अगस्त के 1 साल पूरे होने पर, केंद्र शासित प्रदेश को 1 साल पूरे होने पर जो है ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। अब एक बार दोबारा से अगर बात करें तो कुछ ही दिनों बाद 5 अगस्त 2021 यानी 2 साल पूरे हो जाएंगे। ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब इस जो दूसरा साल कंप्लीट होगा किस तरीके से जश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करें, 5 अगस्त 2020 जब 1 साल पूरा हुआ, तो गोरखा समाज की बात करें या बाकी अन्य समाज जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के इस फैसले को, जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐतिहासिक फैसला मानती है, उसको जश्न में तब्दील किया, कश्मीरी समाज की बात करें, गोरखा समाज की बात करें, तो ये तमाम लोग जो हैं पिछले साल उन्होंने 5 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा होने पर जो है जोश के साथ जो है उसका सेलिब्रेशन किया। एक बार दोबारा से 5 अगस्त 2021 यानी कुछ ही दिनों में आने वाली है, और साथ ही साथ 15 अगस्त नज़दीक है, और वहीं पर अलग अलग जगहों पर शहर के ड्रोन मिलना ये वाकई चिंता का विषय है। आपको याद होगा सबसे पहले जो ड्रोन के जरिए लो इंटेंसिटी के धमाके किए गए वो एयरफोर्स स्टेशन सतवारी के टेक्निकल एयरपोर्ट पे किए गए, उसके बाद लगातार उसके अगले दिन और उसके अगले 3 दिनों तक जो है ड्रोन अलग अलग जगहों पर जो है वो मंडराते नजर आए। हालांकि जवाबी कार्रवाई भी उन ड्रोन पर की गई और वहां से वो ड्रोन जो है भागते निकले। और मैं आपको बता दूं ना सिर्फ सतवारी की बात करूं, करमचक की बात करूं, सांबा की बात करूं, अलग अलग जगहों पर जो है ड्रोन लगातार उनका मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर पहले कानाचक में भी एक ड्रोन को मार गिराया, और जिसकी प्रेस वार्ता के जरिए मुकेश सिंह जी ने, जो कि एडीजी की हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि उसके उस वो जो ड्रोन को मार गिराया उसके साथ जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था हाई टेक्निक का, और उसके साथ साथ जो है जो पड़ोसी मुल्क हमेशा कोशिश करता है कि किस तरीके से यहाँ पर हथियार फेंके जाएँ या फिर नशा यहाँ पर किस तरीके से लोगों को इंडल्ज किया जाए, और उसमें भी आईईडी जो है वो उस ड्रोन के साथ बांधकर जो है यहाँ पर फेंकने का प्रयास किया गया, और बड़ी कामयाबी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली वो प्रेस वार्ता के जरिए हमने आपको बताया भी था। लेकिन फिलहाल की बात करें तो 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 निरस्त होने की बरसी और स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमला हो सकता है, जिसको देखते हुए जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया इनपुट के अंतर्गत देखें तो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा आईडी लगाकर जम्मू शहर में हमले की योजना बना रहे हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश की गई है। इस चीज़ की अपडेट हमने आपको पहले भी बताई थी कि सोर्सेज की मान के चलें तो लगातार पड़ोसी मुल्क जो है और उनके जो आतंकी संगठन हैं, जैश ए मोहम्मद की बात करें, लश्कर ए तैयबा की बात करें, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर धमाके किए जाएँ। हालांकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट हैं, जम्मू जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है। कश्मीर के अगर बस स्टैंड की बात करें, रेल स्टेशन की बात करें या धार्मिक जगहों की बात करें तो वहां पर हमले की फिराक में है आतंकी संगठन, और बार बार ड्रोन का मिलना जिस तरीके से कल भी मिले सांबा की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ाती जरूर है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, और आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से प्रेस वार्ता के जरिए मुकेश सिंह जी ने, जो कि एडीजी भी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और इस बार जो 15 अगस्त की जो परेड है वो परेड ग्राउंड के बजाय जो है मौलाना आज़ाद स्टेडियम, एमए स्टेडियम में हो रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि
कोई गाड़ी यहाँ से निकलती है तो ब्रेक मारकर जो है उसकी चेकिंग भी की जा रही है। तो ये हर नाकों में इसी तरीके से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो मुस्तैद हैं। लेकिन अगर आपको भी कोई संदिग्ध वस्तु या कोई व्यक्ति लगता है तो आप इसकी जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ज़रूर दें। और हाँ, अगर किसी ने किराएदार भी अपने घर पर रखे हैं तो उसकी जानकारी भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को ज़रूर दें, क्योंकि आपका भी जागरूक होना उतना ही ज़रूरी है। आप भी अपनी तरफ से जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन कीजिए। और ये जो 5 अगस्त और 15 अगस्त को पड़ोसी मुल्क एक बड़ी साजिश के फिराक में है, उनकी साजिश को, नापाक हरकतें जो उनकी हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा तैयार रहती हैं। देखते रहिए वॉइसेस, शाम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।